और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, एक साल तैयारी कर लिया, सभी चीज़ों का पता हो गया, तो एक अलग ही एक गुरूर होता है, घमंड होता है, अरे ठीक है आता है भाई को तेरे, कर लेंगे। 2 साल से बेचारे वो पेपर दे रहे हैं और भाई भाई करते करते भाई भाई का तो प्री हो जा रहा है, भाई का मेंस नहीं हो रहा, भाई मेंस में जाके लटक जा रहा है, भाई की ऐसी हालात हो गई, सीखना भी कुछ नहीं चाहता है और किताब भी नहीं लगाना चाहता और सिलेक्शन भी चाहता है। बोलो बेटा एक बार किरण लगा लो, अरे सर मन पक गया, क्या लगाएं सर किरण, एकदम मन बकवास हो गया सर, कौन लगाता है किरण ये बताओ पहले, ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं। तो जितना मजाक में लोगे चीजों को ना, तो जिंदगी उतना खिलाएगी तुमको। एक बात जान लो, अगर कुछ बन जाओगे तो अपने ही लाइफ स्टाइल को बदलोगे, ठीक है, जितनी मर्जी आए कपड़े पहन लो, जितनी मर्जी आए आईफोन रख लो, ठीक है आज आईफोन 13 आया 13 रखोगे, 14 आएगा 14 रखोगे, तो वो तो आपके ऊपर आधारित है ना कि आप अपने जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आएंगे तो अभी से कंफर्ट जोन में रहो, क्या जरूरत है फिर। अब देखो पेपर निकालने वाले कितने होते हैं बताओ, सीजीएल में टॉप करने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना, रैंक 1 भी है रैंक 2 भी है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन कितने लोग आगे आए कि हाँ यार हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है, एक टॉपर होने के साथ साथ अब बच्चों को वो चीज़ इम्पार्ट करनी है, फ्री में एजुकेशन देना है जाके यूट्यूब पे, बहुत कम लोग आए। क्या मुझे मन नहीं करता कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमूं, मैं भी जाऊँ उत्तराखंड कुल्लू मनाली की अपनी ट्रिप बनाऊँ बताओ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जीवन में मैं यहाँ से बहुत आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मेहनत करने के ऊपर की बात होती है, आप बैठ के रोटी खाना चाहते हो या खून पसीना बहाना चाहते हो, खून तो बहाना ही नहीं है भाई, पसीने भी नहीं बहाने हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो एसी वैसी चलता ही रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देना है, हाथों को जोड़ देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो सवाल को देखो, यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाओ यार, ठीक है, मेहनत थोड़ा सा अच्छे तरीके से कायदे से अपने आप से ईमानदार होके, ठीक है। सबसे बड़ा पाप पता है धरती पे क्या, सबसे बड़ा पाप है अगर मैं बताऊं तो, आपको पता है कि आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते। आपको पता है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, आपको पता है कि आप सरकारी नौकरी निकाल सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं निकालते, क्यों, आपके आलस की वजह से। किसी दिन आप चिकन पार्टी करोगे, किसी दिन आप मूवी की पार्टी करोगे, किसी दिन आप चीजों को टालोगे, रेडिटेपिज्म आपके अंदर जितना आएगा, जितना ज्यादा चीजों को डीले करने की आदत होगी, आपका गोल आपका टारगेट आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। अगर आप अपने टारगेट को 2 दिन पुश कर रहे हो ना, तो यूं समझ लीजिए आपका सपना आपसे 20 दिन आगे चला गया, आपका गोल आपसे 20 दिन आगे चला गया, इस बात का ध्यान रखो। पास लाने की ताकत रखो, दूर भेजने की जो है काम मत किया करो, नहीं तो जीवन में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।